वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का लेसन 10 जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि आपको इसमें मौर्योत्तर काल से जितने भी इतिहास से संबंधित फैक्ट प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये सभी नोट्स आपके एनसीईआरटी बुक पर आधारित हैं, यानी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन्हीं से ये नोट्स बनाए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स हैं वो यूपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी परीक्षाओं में जिनमें भी जीएस पूछा जाता है उससे उसके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैंने 9 लेसन बनाए हैं, ठीक है, 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मौर्योत्तर काल को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो चैप्टर था वो था मौर्य काल यानी मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के समय भारत में एक शक्तिशाली एक राजनीतिक तंत्र था, क्योंकि मौर्य वंश एक बहुत ही बड़ा वंश था और इसमें महान शासकों ने शासन किया। लेकिन मौर्य वंश का ज्यों ही अंत हुआ, ठीक है, मौर्य वंश का ज्यों ही अंत हुआ इसके बाद भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता आ गई, यानी कि भारत में किसी भी प्रकार की एक शक्तिशाली राजनीतिक सत्ता नहीं रही। तो इसकी वजह से यहाँ पर छोटे छोटे वंशों का उदय हुआ, साथ ही साथ यहाँ पर कई विदेशियों ने भी आक्रमण किया। तो वही ये सब हम लोग देखेंगे क्योंकि ये एक मौर्योत्तर काल है, काफी लंबा समय तो नहीं है लेकिन फिर भी एक राजनीतिक अस्थिरता का काल है। इसके बाद ही हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर गुप्त काल एक राजनीतिक स्थिरता का काल आ जाता है, क्योंकि वहां पर शक्तिशाली सम्राट हम लोगों को देखने के मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और मौर्य वंश के स्थान पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यह पहला पॉइंट है, यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश के स्थान पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए मौर्योत्तर काल के प्रारंभ में कुछ विदेशियों के भारत में आक्रमण आरंभ हुए जो क्रमशः, यहाँ पर आप क्रमशः याद रखेंगे, क्रम के अनुसार आक्रमण हुए। पहले यूनानियों ने आक्रमण किया, इसके बाद शकों ने आक्रमण किया, इसके बाद पहलव, ठीक है, और इसके बाद कुषाण, ठीक है, अंतिम आक्रमणकारी रहे कुषाण। तो ये कुछ विदेशी शक्तियां थी जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए, हालांकि वे यहीं पर उन्होंने शासन भी किया, ठीक है। तो ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम पहला डिस्कस करने जा रहे हैं हिंद यूनानी, ठीक है। अब हिंद यूनानी क्यों कहा गया, क्योंकि यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने यहीं भारत में शासन भी किया, इसलिए उनको हिंद यूनानी बोला गया, ठीक है। यही तो भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है, यहाँ भारत की जो संस्कृति है कि यहाँ पर जो भी आया है, ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी, उसने भारत की पूरी सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। इस तरह से भारत की संस्कृति और सभ्यता हमेशा मिश्रित होती रही। तो यहाँ पर हिंद यूनानियों में देखिए मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम हिंद यूनानियों का भारत पर आक्रमण हुआ, जिन्हें बैक्ट्रियाई ग्रीक भी कहा गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बैक्ट्रियाई ग्रीक भी कहते हैं किनको, हिंद यूनानियों को। आगे देखिए हिंद यूनानियों ने, ठीक है, हिंद यूनानियों में सबसे पहला आक्रमण राजा डिमेट्रियस ने किया था, ठीक है, जिसने साकल जो कि वर्तमान में सियालकोट जिला पाकिस्तान में है वहां पर अपनी अपनी राजधानी बनाई थी। तो हिंद यूनानियों में सबसे पहला सम्राट कौन था, राजा डिमेट्रियस, इसी ने सबसे पहले आक्रमण किया था। और डिमेट्रियस के बाद बैक्ट्रियाई ग्रीकों में सबसे जो प्रसिद्ध राजा था वो था मिनांदर या जिसको मिलिंद कहते थे, जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, राजा मिलिंद ने भारत में बौद्ध विद्वान नागसेन से बौद्ध धर्म से संबंधित संवाद यानी वाद विवाद किए थे, जिन्हें मिलिंद पंडो पुस्तक में संकलित किया गया, ठीक है, और इस जिसकी रचनाकार नागसेन माने जाते हैं। तो देखिए यहां पर आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो राजा थे, राजा मिलिंद, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म से ही चर्चा परचर्चा उन्होंने नागसेन से की थी। तो उनकी पूरी चर्चा परचर्चा को मिलिंद पन्हो पुस्तक में संकलित किया गया था। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं। आगे देखिए भारत पर एक और हिंद यूनानी शासक एंटियालकिड्स, ठीक है, एंटियालकिड्स ने भी आक्रमण किया था, जिसने अपनी राजधानी तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, तक्षशिला में बनाई थी। तो देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सॉलिड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर जो विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं, चाहे वो हिंद यूनानी हो या शक हो या पहलव हो या कुषाण हो, तो इन सभी का कोई एक निश्चित स्थायी यहाँ पर वंशानुक्रम नहीं रहा है, केवल ये
अक्सर राजाओं के केवल यहाँ पर चर्चा की जा रही है, ठीक है, कोई एक वंशानुक्रम नहीं है। तो इसी क्रम में एक और राजा हुए थे हिंद यूनानी, जिनका नाम था एंटियालकिट्स, ठीक है। इन्होंने भी अपनी भारत पर आक्रमण किया था और राजधानी कहाँ बनाई थी, पाकिस्तान में, और एंटियालकिट्स का ही दूस बनकर हेलियोडोरस, ठीक है, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश की विदिशा में सुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था। तो ये इतिहास से जानकारी मिलती है, ठीक है, कि हेलियोडोरस ने ही भारत में आकर भागवत धर्म को अपनाया, जो कि हिंदू धर्म का एक प्रकार है, भागवत धर्म को अपनाया और एक गरुड़ स्तंभ लेख जारी किया था, जिसे हेलियोडोरस का बेस नगर यानी विदिशा का गरुड़ स्तंभ कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए एंटियाल कोट्स का जो दूत था हेलियोडोरस, ठीक है, एंटियाल कीट्स राजा का दूत हेलियोडोरस था, और वो भारत में आया था और उसने भागवत धर्म को अपनाया था। और ये किस चीज से पता चलता है, एक गरुड़ स्तंभ है, ठीक है, उसी के द्वारा पता चलता है, जो कि हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ स्तंभ कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, और यही जो गरुड़ स्तंभ है वो भागवत धर्म की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख माना जाता है। आगे देखिए, शकों का आक्रमण, यहाँ पर हिंद यूनानियों से इतने ही प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखिए शकों का आक्रमण, तो देखिए जो दूसरे आक्रमणकारी थे वो कौन थे, शक, तो इनके बारे में चलिए जानते हैं। भारत पर मौर्योत्तर काल में सीथियन, ये इनका दूसरा नाम है शकों का, तो सीथियन दूसरे प्रमुख विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्हें भारतवासी क्या कहते थे, शक, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और भारत में शकों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, रुद्रदामन, ठीक है, कौन राजा था, रुद्रदामन, और उसने ही सन 1150 में जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जारी किया था, तथा यह अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी किया गया एक प्रथम अभिलेख था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत में संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख कौन था, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ठीक है। और इसी अभिलेख के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके अधिकारी पुष्यगुप्त वत्स के द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, जो कि काठियावाड़ गुजरात में है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर भी किया गया है, ठीक है, कि इसी अभिलेख के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि अशोक के काल में भी यवन राज तुसास ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, इस सुदर्शन झील का, और बाद में एक सुविशाख अधिकारी ने भी इसका जो है स्कंदगुप्त के काल में जो है पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखते हैं, पहलव या पार्थियाई, ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, पहलव या पार्थियाई। तो मौर्योत्तर काल में तीसरे प्रमुख विदेशी आक्रमणकारी कौन थे, पहलव, ठीक है, और इनकी राजधानी भी क्या थी, तक्षशिला में थी। और पहलवों का सबसे प्रमुख शासक कौन था, गोंडोफिनर्स, जिसके काल में प्रथम शताब्दी में संत थॉमस के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियों का पहला दल भारत आया था, यानी ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार का सिलसिला था वो सबसे पहले पहलवों के कार्यकाल में हुआ था, जिसका शासक कौन था, गोंडोफिनर्स, ठीक है। बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में भी ईसाई मिशनरियों के कई दल भारत में आए थे, लेकिन जो पहला स्रोत है, ठीक है, जो पहली जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं कुषाण, ठीक है, कुषाणों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चौथा और अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे। तो देखिए कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था, जिसने राजा वांग की उपाधि धारण की थी। लेकिन कुषाण वंश में जो आपको सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ना है, वो है कुषाण वंश का सबसे महान राजा कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो देखिए कनिष्क ने दो राजधानियां बनाई थी, कौन कौन, पेशावर जिसको पुरुषपुर कहते हैं, तथा मथुरा, दो राजधानियां थी। और ये आप ध्यान रखेंगे कि कनिष्क के काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवल में किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया था। तो देखिए जो बौद्ध संगीतियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको बौद्ध धर्म का जब मैंने आपको चैप्टर बताया था तभी आपको बताया था कि बौद्ध संगीतियां आपकी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, क्योंकि चार बौद्ध संगीतियां हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसका आयोजन महाकश्यप की अध्यक्षता के द्वारा अजात शत्रु के काल में हुआ था, ठीक है। और जो दूसरी संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष थे सबकामी और शासक थे कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 251 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता की थी मेघालीपुत्र तिस ने, और उस समय शासक कौन थे, अशोक। लेकिन यहां पर जो बात की गई है वो चौथी बौद्ध संगीति की है, ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्ष थे वासुमित्र, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और शासक कौन थे, कनिष्क। तो इसी के काल में बौद्ध धर्म में दो भाग बट गए थे, हीनयान और महायान।
तो कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहते हैं, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया था। इसी प्रकार से कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया, और इसी काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी, तो इसीलिए इसको दूसरा अशोक कहा जाता है। आगे देखते हैं, कनिष्क विद्वानों का महान संरक्षक शासक था, यानी कि कनिष्क की राज दरबार में कई महान विद्वान रहते थे, और उनके दरबार में नागार्जुन, चरक, अश्वघोष और वासुमित्र जैसे विद्वान रहते थे। अब इनकी एक एक विशेषता देख लीजिए। जो अश्वघोष हैं, यानी कि कनिष्क के दरबार में जो अश्वघोष रहते थे, उन्हें भारत का मिल्टन कहकर पुकारा जाता है, और उन्होंने बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण पुस्तकों की रचना की थी। देखिए, मिल्टन एक अंग्रेजी कवि है, ठीक है, जॉन मिल्टन एक अंग्रेजी कवि है, और उनकी ही तुलना अश्वघोष से की गई, यानी कि अश्वघोष की तुलना उनसे की गई है, ठीक है, भारत का मिल्टन इनको कहते हैं। चरक की बात करें तो देखिए, चरक एक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे, यानी कि बहुत बड़े वैद्य थे, और उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है चरक संहिता। परीक्षा में कई बार ये पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर आपके लिए शामिल की गई है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट विद्वान है नागार्जुन। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत दिया था सापेक्षतावाद, ठीक है, सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था, साथ ही साथ एक शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, और ये शून्यवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, तो इसीलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सिद्धांत दिए। आगे देखिए, कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत, शक संवत भी चलाया, ठीक है, जिसे 22 मार्च सन 1957 को भारत का राष्ट्रीय संवत अपनाया गया, जिसका पहला महीना चैत्र होता है, 12 महीने होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, इसी प्रकार के 12 महीने होते हैं। तो ये कौन सा संवत है? शक संवत, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय संवत है। किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। तो आप समझ सकते हैं कि कनिष्क के बारे में इतनी चीजें आपको जरूर ही पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। आगे देखते हैं, अब यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है जो 4 विदेशी आक्रमण हुई थी, वो डिस्कस कर लिए हैं, इतने ही उसमें प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ और चीजें हैं, जैसे मौर्योत्तक काल में एक प्रसिद्ध स्थानीय वंश सुंग वंश था, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुंग वंश ही स्थापित किया गया था मौर्य वंश के बाद, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था, जिसके पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर एक महाभाष्य नामक टीका ग्रंथ लिखा था। ये आप ध्यान रखेंगे, टीका ग्रंथ क्या होता है कि किसी भी ग्रंथ के ऊपर एक टिप्पणी करना, टिप्पणी के रूप में एक पूरी पुस्तक लिख दी, जिसका नाम था महाभाष्य, ठीक है। और पाणिनि को आप जानते हैं, पाणिनि एक संस्कृत के महान विद्वान थे, उन्होंने पुस्तक एक अष्टाध्यायी लिखी थी, और उसी पर टीका किसने लिखी थी? पतंजलि ने। आगे देखते हैं, इसी वंश का एक शासक भागभद्र थी था, ठीक है, भागभद्र, ठीक है, इसी के दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, जिसका हम लोग अभी जिक्र कर चुके हैं। आगे देखें, मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में जिस वंश का शासक शासन था, उसका नाम था सातवाहन वंश। देखिए, मौर्योत्तर काल में जो उत्तर भारत में जो राजा थे, वंश थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं उसी समय में, यानी मौर्योत्तर काल में जो दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। तो दक्षिण भारत में एक महान वंश था सातवाहन वंश, ठीक है। तो सातवाहन वंश का शासन मौर्योत्तर काल में सबसे लंबा रहा, यानी कि इसका शासन काल काफी लंबा रहा, और इस वंश का जो संस्थापक कौन था? सिमुक। पूछा जाता है एग्जाम में कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश का पहला सबसे प्रसिद्ध शासक सातकर्णी प्रथम था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठन, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसके बाद कुछ अन्य राजा भी बने, जिनमें हौल और गौतमीपुत्र सातकर्णी भी शासक बने, ठीक है। आगे देखते हैं, सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी, और वो एक मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी सातवाहन जो समाज है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह एक मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी वहां पर, ठीक है। आगे देखिए, शीशे के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहनों ने ही चलाए थे, इसी काल में ही मूर्ति निर्माण की अमरावती शैली का विकास हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के सर्वप्रथम भारत में किस वंश ने चलाए? तो सातवाहन वंश ने ही चलाए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी काल में एक शैली, मूर्ति निर्माण की एक शैली, अमरावती शैली का विकास हुआ था। आप जानते हैं कि मूर्ति निर्माण की प्राचीन भारत में 3 कला शैलियां थी, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। तो अमरावती कला शैली कुषाण या सातवाहनों के काल में हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, मौर्य काल के बारे में कुछ और बातें। मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में कुछ अन्य राजाओं ने भी राज्य किया, जिसमें कलिंग के राजा खारवेल प्रमुख हैं, ठीक है, जो उड़ीसा के क्षेत्र में जो राजा थे वो थे कलिंग के राजा खारवेल। और राजा खारवेल के बारे में जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख
कलिंग के बारे में जानकारी देता है, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास है। ठीक है, ये अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के पास। अब आगे देखिए, मौर्योत्तर काल में मूर्ति निर्माण की तीन शैलियां प्रचलित थीं, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली, जिसका हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। आगे और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। गांधार कला शैली का उद्भव हिंद यूनानियों ने किया था। ठीक है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो विदेशी आए थे, जिनमें पहले कौन थे? हिंद यूनानी, उन्होंने ही गांधार कला शैली का विकास किया था। लेकिन सबसे अधिक डेवलपमेंट जो हुआ वो कुषाणों के काल में हुआ था। और इसकी विशेषता क्या थी? गांधार कला शैली में जो मूर्तियां बनती थी वो मूर्तियां काले रंग की, स्लेटी रंग की, ठीक है, और गहरे नीले रंग की बनी हुई थी। और इस कला शैली की जो सर्वाधिक मूर्तियां हैं वो बौद्ध धर्म यानी भगवान बुद्ध से संबंधित वो थी मूर्तियां। ठीक है, आगे देखिए। और दूसरी जो शैली है मथुरा कला शैली, ठीक है, इसका विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, इधर मथुरा के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। और इनकी क्या विशेषता है? इनमें धब्बेदार लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, गांधार कला शैली में काला और स्लेटी कलर का पत्थर था, और मथुरा कला शैली में बलुआ लाल, ठीक है, लाल कलर का था। आगे देखिए, मथुरा कला शैली की मूर्तियां सभी धर्मों से संबंधित हैं। अभी अब मैंने आपको बताया कि गांधार कला शैली की जो मूर्तियां थी वो किस धर्म से? केवल और केवल बौद्ध धर्म पर उसका प्रभाव था। लेकिन मथुरा कला शैली सभी धर्मों से संबंधित थी। और अंत में अमरावती कला शैली, जिसका विकास सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा हुआ था, इसकी जानकारी अभी हम लोग ले चुके हैं। और अंत में बस यही कहूंगा कि ये सभी नोट्स आप लिखते जाइए, काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ। इसके बाद अगला लेसन गुप्त वंश शुरू होगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसी प्रकार आप हमारे एनसीईआरटी के नोट्स के साथ बने रहिए। ठीक है।